कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग 5000 साल पुराना शहर मोहनजोदड़ो के बारे में इतिहासकार कुछ ऐसा ही बोलते हैं, सिंधु नदी में उठे सैलाब ने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अब पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ ने एक बार फिर इस शहर को नुकसान पहुंचाया है। यानी पाकिस्तान में आए सैलाबी कहर से मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष खतरे में आ गए हैं। अगस्त महीने में पूरे 15 दिन तक यहां बिना रुके मूसलाधार बारिश हुई। मानव इतिहास की ऐसी अहम निशानी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है, लेकिन सैलाब के सामने सरेंडर कर चुकी पाकिस्तान सरकार ये जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकी। वैसे पाकिस्तान की लापरवाह सरकारों से ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। मोहनजोदड़ो का वजूद जब खतरे में आया तो पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैली। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की नींद टूटी और उसने मोहनजोदड़ो में भरे पानी को निकालना शुरू किया। पंप और पाइप की मदद से मोहनजोदड़ो में भरे पानी को बाहर निकाला। वैसे हो हल्ला मचते ही पाकिस्तान सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई और मोहनजोदड़ो को नुकसान न होने का दावा करने लगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी लापरवाही ने यहाँ मौजूद कई बेशकीमती ट्रेजर्स को नुकसान पहुंचाया है और इसकी वजह सिर्फ बारिश ही नहीं है बल्कि इसकी वजह है अनदेखी। ऐतिहासिक ट्रेजर्स को सुरक्षित न करना, सड़क काटकर पानी को मोहनजोदड़ो की तरफ मोड़ देना। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक सैलाब ने पाकिस्तान को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। $1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान से इन ऐतिहासिक ट्रेजर्स को सुरक्षित रखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जो देश सामान्य समय में ऐतिहासिक ट्रेजर्स का ख्याल नहीं रख सकता वो तबाही और आर्थिक बदहाली में क्या करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी राइज के साथ।